मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू लावण्या चौधरी ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, और यहाँ मेरी चाय बन गई है, दूध भी बॉयल हो गया और मैं बना रही हूँ पोहा। तो फटाफट मैं बता देती हूँ मैं पोहा कैसे बना रही हूँ, फिर मैं आगे की बातें करती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ आप लोगों से। तो मैंने सबसे पहले डाल दिया थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जीरा, अब इसमें प्याज, अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी सी मिर्ची, धनिया और हल्दी। और मैंने इसमें डाल दिए थोड़ी सी भुजिया, मतलब जो भी आप रसम की हो आप ऐड कर सकते हो। और अब आप इसमें नींबू डाल के, और बस हो गया तैयार। तो फिलहाल कर लिया है सबने नाश्ता, और मम्मी पापा जी हैं नहीं घर पे, वो गए हुए हैं सिडनी, मतलब कल गए थे, तो अभी आएंगे दो दिन बाद। तो फटाफट मैंने साफ़ सफाई कर ली, बस अभी मेरे शीशे साफ़ होने बाकी हैं, तो मैं अब शीशे साफ़ करने आई थी, सोचा आपके साथ अब बातें कर लूँ। मैं थोड़ा सा बाद में करूँगी, क्योंकि वैसे भी आंटी आने वाली हैं तो पोछा लगाने के लिए थोड़ी बहुत देर में, तो उससे पहले ख़त्म कर लेते हैं सारा काम। तो चलो बता देती हूँ, मेन रीज़न एक ये भी था कि मैंने लास्ट मंथ कंप्लीट ब्लॉग डाले थे बट व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मतलब इतनी मेहनत कर रही थी उसके बाद भी व्यू नहीं आ रहे थे, तो थोड़ा बुरा सा भी लगता है कि ब्लॉग एडिट भी करना, शूट भी करना, प्लस छोटा बच्चा भी है साथ में, ऊपर से सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम भी नहीं हो पा रहा था। फिर मैं सोच रही थी थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे लिया जाए, थोड़ा बेबी के ऊपर भी, तो बस यही एक दो ऐसे ही रीज़न थे, ऐसे कोई स्पेसिफिक रीज़न था नहीं। और प्रेगनेंसी के लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि बीमार हो या प्रेगनेंट हो आप नहीं बताना चाह रहे हो, तो मैं इस बारे में आपको बता दूँ कि मैं प्रेगनेंट नहीं हूँ, और अगर मैं इनकेस प्रेगनेंट भी होती तब भी मैं आपके साथ शेयर कर देती ये बातें, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसी चीज़ है नहीं जो छुप जाए, ये तो सबको वैसे भी पता चल जाता है। दूसरा, फिर मैं सोच रही थी थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दे लिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई पढ़ाई की नहीं थी, क्योंकि जो कुशान से वीडियोज है उसमें मैंने आपको बता भी रखा था कि मैं अपनी जो पढ़ाई है आगे कंटिन्यूसली कर रही हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा उसमें भी मैं बिज़ी हो गई थी, तो बस यही रीज़न्स थे। तो वैसे मैं कोशिश करूँगी कि एक दो व्लॉग मैं डाल दूँ, पहले मैंने सोचा भी था कि मैं मिनी व्लॉग बना लूँ, पर फिर सेम वही बात है, पर चलो इस बार मैं ट्राई करती हूँ। अगर आपको मेरे मिनी व्लॉग्स चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। तो हो गई है मेरी साफ़ सफाई, नाश्ता वाश्ता भी सबने कर लिया है, और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया है। अभी मैं बनाऊँगी लंच, और लंच वैसे मेरे कपड़े भी धुल गए, पर मतलब धूप आ ही नहीं रही है, समझ ही नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा वाली सर्दी हो रही है, लेकिन आज है थोड़ी सी धूप, तो सोच रही हूँ जो कल के और परसों के कपड़े हैं और आज के तीनों कपड़े जितने आ सकते हैं छत पे डाला हूँ। वैसे हम छत पे जाते नहीं हैं, बहुत ही रेयर जाते हैं, पर चलो आज मैं जाऊँगी ऊपर तो आपको भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ना नीचे कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर ना धूप आती नहीं है तो सूख नहीं रहे हैं उस वजह से, और फिर जब तक कपड़े ज़्यादा अगर ज़्यादा दिन गीले होते हैं तो फिर स्मेल हो जाती है, तो इस वजह से अब मैं जाऊँगी कपड़े डालने। मैंने बताया था मम्मी पापा जी तो चले गए हैं घूमने, और आपको पता है ना छोटे बच्चे के साथ सब कुछ करना बड़ा मुश्किल ही काम है, तो इसलिए मैंने जब तक बनी सो रहा था तब तक उठ के पूजा भी कर ली थी कि वो उठेगा फिर वो उसके काम होते हैं, सुबह सुबह छोटे बच्चे के कई सारे काम होते हैं अभी, पर फिलहाल उसने भी नाश्ता कर लिया है। बनी और बनी के पापा देख रहे हैं आराम से टीवी, तब तक वो टीवी देख रहे हैं, मैं सोच रही हूँ अपना लंच भी बना लेती हूँ, कपड़े भी धो लेती हूँ, और तो वैसे सारे काम हो ही गए हैं, क्योंकि ये ना ये होता है छोटे बच्चे को, अगर मम्मी होती हैं तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, मम्मी पापा जी के पास वो खेलता रहता है, बस खाने पिला मतलब उसको दे दिया खाना वगैरह, उसके बाद वो मम्मी पापा जी के साथ ही खेलता है और मैं अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन आज मम्मी पापा जी नहीं है, तो वो कल शाम से मतलब कल के गए हुए हैं मम्मी पापा जी, तो कल शाम को भी उसने इधर उधर ढूंढा सारे में पर उसको नहीं मिले, तो अभी तो बढ़िया मस्त उठा है सो के और अभी टीवी देख रहा है, उसमें मेरे पास टाइम है, जब तक वो टीवी में बैठा है अपने पापा के साथ तब तक मैं अपने बाकी के काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो चलो चलते हैं, चलो तो हम जा रहे हैं छत पे कपड़े डालने, आधे कपड़े आंटी ले जा रही हैं, चले बनी
इसको छोड़ दो यहीं। तो आगे हम छत पे, और छत पे आ रखी थी धूप, और जो हमारे किराएदार रहते हैं उनके यहाँ एक पैरट है, तो वो उसे छत पे ले आते हैं धूप में बिठाने के लिए, और बनी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके साथ बहुत देर तक खेला, क्योंकि एक तो धूप भी आ रही थी इसलिए फिर मैं भी यहीं रुक गई थी इसके पास थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम आ गए नीचे और यहाँ बनी का चल रहा है बैट बॉल, तो बस फिर मैं इसके साथ क्रिकेट खेलने लगी, और इसमें मुझे बहुत देर लग गई क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ना, मतलब स्पेशली जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको खेलना कूदना जब चलने स्टार्ट हो जाते हैं ना, जब उनको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो उससे बेस्ट होता है कि इसके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। तो इसके साथ फिर मैंने एक घंटे तक कम से कम बैट बॉल खेले हैं। उसके बाद फिर मैंने बनी को बोल दिया कि वो अपने पापा के साथ पार्क चला जाए, क्योंकि मैं थक गई थी इसके साथ खेलते खेलते। तो बनी और बनी पापा जा रहे हैं पार्क। बनी बाय बाय, आप नहीं देखना पीछे मुड़ के। बनी रुक जाओ, बाय। जब तक बनी और बनी के पापा गए थे पार्क, तो मेरे पास हो गया था टाइम, मैंने कर ली फटाफट लंच की तैयारी, और लंच में आज मैंने बनाए थे गोभी, गाजर, मटर, आलू, शिमला मिर्च की सब्जी, और आटा भी मेरा तैयार हो गया था, तो फटाफट फिर ये तुरंत ही मतलब थोड़ी देर में ही आ गए थे, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी वाली हवा चल रही थी, तो फिर आके हमने किया लंच, और लंच करने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर बनी को सुला दिया, क्योंकि वो पूरा दिन सुबह से शाम तक भागते भागता है तो थक जाता है। फाइनली मैं छत पे से उतार लाई कपड़े, और आज इतने कपड़े हैं क्योंकि 3 दिन के कपड़े हैं जो अब सूखे हैं। तो फिलहाल बज रहे 5, तो बाद में करूँगी तय, पहले बना देती हूँ चाय। चाय के साथ क्या लोगे? चाय बर्गर। बनी का है? मुझे अंडे वाला बर्गर। बनी आप क्या खाओगे? किसमिस? बस यही खाना है आपको? हाँ बर्गर खाओगे? बना दू? इशारे नहीं बात कर रहे हैं। दाल दाल रोटी खाओगे? बस दाल रोटी। तो यहाँ बन रही है मेरी चाय, और मैंने तैयार कर लिया है सामान, टिक्की मतलब टिक्की मैंने फ्राई करी है मकेन वाली, और मैं बनाने वाली हूँ अब बर्गर। तो बर्गर के लिए चीज ले लिया, टिक्की तैयार हो गई मतलब ठंडी भी हो गई है, मैंने फ्राई कर ली थी क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं डालती उसमें, जल जाएगा वो। और ये टमाटर प्याज, खीरे नहीं है तो टमाटर प्याज ही इनफ है, और चाय बस बॉयल ही हो गई। हाँ जी बनी, और मैं बना देती हूँ बर्गर। बनी बर्गर खाओगे? ये किशमिश। तो ये बर्गर बन का पैकेट है इसमें से। तो तैयार है चाय बर्गर, और अगर बनी बर्गर नहीं खाएगा तो उसके लिए है टिक्की। बनी बर्गर नहीं खाएगा तो उसे लगेगी थप्पड़। नहीं, बर्गर नहीं खाएगा तो इसके लिए टिक्की है। बनी में लगेंगे जूते। ऐसे कह रहे पापा? चलो यस, अब पोहा बनवाया बनी के पापा ने रात को 10:30 बजे। बनी कैसे देख रहा? बनी पापा ने क्या बनवाया, कैसा है, गरम है? ठीक है, ज्यादा गरम तो नहीं है। सही है। कैसा लगा? नहीं अच्छा लगा, मिर्ची लग गई। हाँ मिर्ची लग गई, पानी लानी। पोहा कैसे लग रहा है? अच्छा, लो इसका पानी। और अब मैं समेट लेती हूँ किचन, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।